Hello everyone, good afternoon. I am Dr. Kirti Malviya, Senior Community Specialist from Medogistry. So today we are about here to meet for a webinar, Agni Special Webinar, Agni and Clinical Importance. So aaj hum Agni ke baare mein discuss karenge aur uska clinical importance hai, uske baare mein hum aaj ki special webinar mein discuss karne ja rahe hain. और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रियंका मैम. डॉक्टर प्रियंका मैम इज सीनियर कम्युनिटी मैनेजर इन नीरोगिस्ट्री. सो वेलकम मैम फॉर दिस वेबिनार एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग. सो शॉर्टली वी आर अबाउट टू बिगिन दिस अग्नि. आप सभी जानते हैं कि अग्नि हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेटाबोलिज्म एंड डाइजेशन रिलेटेड एवरीथिंग इशूज एंड इन जनरल. और साथ ही साथ धातु पोषण में और एब्जॉर्प्शन में जो हमारी बॉडी में जितना भी हम जो भी फूड इनटेक करते हैं आर वी आर खाते हैं वो अग्नि के द्वारा ही वो पाचन क्रिया के द्वारा वो डाइजेशन में प्रोसेस में जाता है और मेटाबॉलिज्म उसका होता है. तो इस कॉन्सेप्ट को समझना सभी वैद्य सभी आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और जो जो हमारा अग्नि का कॉन्सेप्ट है ये हमारा सभी के लिए बहुत एक आवश्यक टॉपिक रहा है. तो चलिए आज हम समझते हैं अग्नि के बारे में डॉक्टर प्रियंका मैम के साथ. वेलकम मैम. हेलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर कीर्ति. कैन यू हियर मी? यस यस वी कैन हियर यू. ओके ग्रेट. सो सिंस वी ऑलरेडी आर रनिंग अ लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम सो आई विल बिगिन द वेबिनार. जैसे हम जानते हैं कि ये जो अग्नि का कंसेप्ट है ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं और उसकी वजह से हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, दीज आर आर इम्पॉर्टेंट टेक अवेज फ्रॉम टुडेज वेबिनार. सो विदाउट एनी फर्दर डू आई एम जस्ट स्टार्टिंग द वेबिनार. यू कैन सी माई स्क्रीन राइट? यस स्क्रीन इज विजिबल. ओके. सो अग्नि के बारे में जब हम बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी नो फ्रॉम अग्नि. तो अग्नि ये अगर हम जस्ट इसको एज अ पंचमहाभूत देखेंगे तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंचमहाभूत विच इज एक्सप्लेन्ड इन आर आयुर्वेद एज वेल एज इन अदर ग्रंथ एंड अदर बुक्स इन हिंदू कल्चर. अगर हम हिंदू कल्चर में इसको डिटेल में देखेंगे तो अग्नि को एक सीक्रेट एंटिटी कहा गया है. सीक्रेट एंटिटी मतलब ऐसी एक वो चीज है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, जिसको भगवान के साथ कंसिडर किया गया है. दैट इज वाई द इट इज रियली इम्पॉर्टेंट दैट वे. अग्नि की जो गति बताई गई है दैट इज ऑलवेज अपवर्ड्स. इट स्टार्ट्स एट Wherever it is, वहां से वो हमेशा onwards and upwards ही जाते हैं. अग्नि कभी आपको अधोगति में कहीं भी mention नहीं है. So this is very important to understand कि क्यों अग्नि के लिए हम इतना respect, इतना importance दिया गया है. अग्नि ये जो word है ये अंग धातु और गति प्रत्यय से बनाया गया है. इसका मतलब है it can spread far and wide. बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है, बहुत इजीली स्प्रेड हो सकता है और ऊर्ध्व गति में स्प्रेड हो सकता है. दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड. आयुर्वेद में हम कंसिडर करेंगे तो अग्नि ये जो टर्म है इसको डाइजेशन ऑफ फूड या तो जो भी हमारा खाना अचय अपचय की जो क्रिया है दैट इज मेटाबॉलिज्म, इससे उसको कोरिलेट किया गया है. तो अग्नि का काम बेसिक काम है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना जिससे सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस चलते रहे, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. सो इफ वी कंपेयर अग्नि विथ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सो ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैन बी गवर्न्ड और कंट्रोल्ड बाय अग्नि. तो जैसे हम बाहर देखते हैं कि अग्नि एक मतलब आप अग्नि आग ऐसे रूप में जिसको देखते हैं एग्जैक्टली वैसा आपको हमारी बॉडी में नहीं दिखाई देता है. सो इन व्हाट सेंस डू वी सी अग्नि इन आवर बॉडी? सो अगर हम चरक सूत्र स्थान में से ये श्लोक कंसिडर करेंगे तो ऐसा कहा गया है कि पित्तांत
पित्त अंतर्गत कहा गया है अग्नि को, इसका मतलब है अग्नि और पित्त, कुछ आचार्य कहते हैं कि अग्नि और पित्त एक ही है, कुछ आचार्य कहते हैं कि अग्नि और पित्त अलग अलग चीजें हैं, पित्त अग्नि की वजह से ही फंक्शन कर रहा है. देयर आर वेरी वेरियस डिस्कशंस अबाउट एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट अग्नि. बट अगर हम इसको इस श्लोक को कंसिडर करेंगे तो अग्नि के जो फंक्शंस बताए गए हैं जो थ्रू पित्त हमें दिखाई देते हैं हमारी बॉडी में, सो दोज फंक्शंस आर सिमिलर. सो इट कैन बी सेड दैट अग्नि एंड पित्त फंक्शंस आर सिमिलर. सो अग्नि को अगर आपको एनालाइज करना है तो बॉडी के पित्त के उस फंक्शंस को आपको समझना चाहिए. तो कौन से ये फंक्शंस हैं? सो अगर हम बेसिकली अग्नि के जो फंक्शंस जठर अग्नि को कंसिडर करके भी अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल हमारे बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल करना, बुद्धि, मेधा, तेज, दैट इज योर आईसाइट, तो आहार पचन, हमारी बॉडी का कलर जो रंजक पित्त की वजह से है, ऑल दैट इज कंट्रोल्ड और गवर्न्ड बाय अग्नि. सो दैट इज व्हाई थ्रू दिस वी कैन से दैट अग्नि एंड पित्त कैन बी सिमिलर और फंक्शंस कैन बी सिमिलर. सो दिस इज द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अग्नि इन आवर बॉडी. हमारे ग्रंथों के हिसाब से टोटल 13 टाइप्स ऑफ अग्नि has been mentioned. सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें से है जाठर अग्नि जो आमाशय में लोकेटेड है, जिसका मेन प्राइमरी जो उसका फंक्शन है दैट इज स्थूल पाचन, दैट इज आहार का जो पाचन करना है, जो भी हम आहार इनटेक करते हैं उसका जो पाचन करना है, उसको जो ब्रेक डाउन करना है, उसका काम जाठर अग्नि ही करता है. प्लस जाठर अग्नि हैज बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड अग्नि amongst others, क्योंकि जाठर अग्नि के functions की वजह से, अच्छे function की वजह से बाकी के सारे जो भी functions है अग्नि के वो depend करते हैं only because of जाठर अग्नि. So these are dependent on जाठर अग्नि. So after जाठर अग्नि, so there are 13, एक जाठर अग्नि है, 5 भूत अग्नि है और 7 धातु अग्नि है. तो जाठर अग्नि के बाद जो स्थूल पचन का काम होने के बाद, उसके बाद क्या होता है? सो स्थूल पचन होने के बाद द डाइट, द व्हाटएवर फूड वी आर ईटिंग, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सार एंड किट विभाजन. उसके बाद भी जो सार भाग है उसका, वो भी तो बॉडी में अब्सॉर्ब होना चाहिए अच्छे से. तो उसके लिए जो सूक्ष्म पचन का काम करता है वो भूताग्नि और धात्वाग्नि करते हैं. सो भूताग्नि का काम, देर आर 5 एलिमेंट्स, 5 महाभूत जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसके लिए इंडिविजुअली ईच देर इज वन अग्नि. मेन फंक्शन ऑफ दिस अग्नि, महाभूत अग्नि, इज डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग द टिश्यू. तो हमारा जो सारभाग तैयार हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका फर्दर मेटाबॉलिज्म करना, उसको और ज्यादा सूक्ष्म रूप से उसका पचन करना और हमारी बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स, हमारे सेल्युलर अब्सॉर्प्शन तक उसके लिए जाना, ये काम भूताग्नि का रहता है. तो अगर हम इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से कंपेयर करेंगे, सो इट रिप्रेजेंट्स द कैटाबॉलिक प्रोसेसेस इन आवर बॉडी. कैटाबॉलिक मतलब फर्दर ब्रेकिंग डाउन, तो वो ब्रेक डाउन का काम भूताग्नि करता है. अगर हम धात्वाग्नि को कंसिडर करेंगे तो देर आर 7 धातु, उनमें से 7 धातु के लिए इंडिविजुअल के लिए एक एक अग्नि हमारे यहाँ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है. उसका फंक्शन क्या है? तो फर्दर ब्रेक डाउन. तो जो भी सार और किट्ट में विभाजन होता है तो उसमें से अगेन जो सार भाग हमारे धातु के लिए चाहिए, जो स्पेसिफिक टिश्यू के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए और जिससे हमारा धातु का पोषण होगा, फर्दर पोषण. जैसे हमें पता ही है कि रस धातु की वजह से, रस धातु से रक्त धातु, उससे फर्दर नेक्स्ट रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस हिसाब से वो पोषण होता है. सो दिस इज धातु पोषण न्याय विच वी नो. तो वो ग्रोथ होने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो पूरी बॉडी को डाइजेशन के रूप में हम आगे जाके जो देखते हैं, सो दैट इज अगेन फर्दर अब्सॉर्प्शन इनटू धातु. तो वो काम धात्वाग्नि करता है.
उसको हम मॉडर्न मेडिसिन मॉडर्न डाइटेटिक्स से कंपेयर करेंगे. सो दैट शोज अनाबॉलिक प्रोसेसेस. अनाबॉलिक मतलब जो ग्रोथ और बिल्ड करने के लिए हमें जरूरी है वो, कैटाबॉलिज्म मतलब जो ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरी है वो. सो ये सब सार और किट्ट विभाजन को हम कंसिडर करेंगे, तो ये उसी हिसाब से हमारी बॉडी में हो रहा है. तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दोनों को अगर हम एक साथ जो होता रहता है बॉडी में, दैट लीड्स इनटू मेटाबॉलिज्म एंड दीज टू प्रोसेसेस आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन इन आवर बॉडी. देर इज अ कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड देर इज अ कंटिन्यूअस ब्रेक डाउन. ये हमने हमारे 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी में डेफिनेटली पढ़ा है. तो अगर हम इसको अग्नि के फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो दिस इज माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग. यू कैन फील फ्री टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन लेवल एंड यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट मी इफ यू ऑल फील सो. सो व्हाट आई फील इज कि एनाबॉलिज्म जो है, जिससे ग्रोथ होना है, जिससे थोड़ा कुछ चीज बढ़नी चाहिए, जिससे हम दीपन कह सकते हैं, अग्नि का दीपन करना, अग्नि को बढ़ाना, वी कैन कंपेयर दीपन विथ एनाबॉलिज्म. तो जो भी हमारे दीपन द्रव्य हैं, दे कैन बी एनाबॉलिक एजेंट्स. सिमिलरली कैटाबॉलिज्म सूक्ष्म पचन करता है, तो उसको हम पाचन से कंपेयर कर सकते हैं. तो जो भी हमारे पाचन करने वाले ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, फूड है, दैट विल बी फॉर पाचन. सो अगर हमें किसी का अग्नि फंक्शन इम्प्रूव करना है, अग्नि इम्प्रूव करना है, तो हम कहते हैं उसका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें दीपन और पाचन, ये दोनों टाइप के फूड और हर्ब्स उसमें इंक्लूड करने चाहिए इन देयर डाइट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड एंड हर्ब्स, मतलब आप औषधि भी उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं. सो दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट वॉट एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ अग्नि डू इन आवर बॉडी. अगर हम जाठर अग्नि का ही एक पार्ट उसमें कंसिडर करेंगे, तो उसका बल जो है हमारी बॉडी में, उससे और हमारे जो त्रिदोष हैं उससे जो अफेक्ट होता है, तो उससे हमें और चार टाइप के अग्नि दिखते हैं, समाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और विषमाग्नि. सो समाग्नि, समा इज नॉर्मल डाइजेशन, जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल डाइट है, ये उसका समाग्नि आपको हेल्दी पर्सन में दिखाई देता है. बट तीक्ष्णाग्नि जो है वो वात जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वात का जो इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से यू कैन सी तीक्ष्णाग्नि. सेम इज विथ विषमाग्नि, आपको पित्त के इम्बैलेंस में दिखता है, और मंदाग्नि आपको कफ के इम्बैलेंस में दिखता है. तो जब आपको ये सारे अग्नि एनालाइज आप कर पाएंगे, आप डिटेल केस हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट की, जब आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो आप उस हिसाब से दोषों का इम्बैलेंस ढूंढ के आप मेडिसिन अकॉर्डिंगली दे सकते. ये समझने का क्लिनिकल एस्पेक्ट का मीनिंग ये है कि अगर हम ये समझ पाए कि कौन से दोष की वजह से अग्नि का डिसफंक्शन आपको दिख रहा है, तो आप उस हिसाब से आहार द्रव्य और औषधि द्रव्य सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ अग्नि. तो व्हाई डू वी रियली नीड अग्नि, इसका क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, व्हाई शुड वी फोकस ऑन अग्नि अलॉट. तो ये चरक चिकित्सा स्थान में आप ये सूत्र देख सकते हैं, जस्ट फर्स्ट थ्री वर्ड्स, इफ यू फोकस ऑन दीज थ्री वर्ड्स, चांतौ अग्नि म्रियते, दिस रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. कि अगर अग्नि शांत हो गया, इट मींस डेथ. सो इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफ, इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, देन यू हैव टू हैव अ नॉर्मल अग्नि फंक्शन. तो इस श्लोक का अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट अगर हमारा अग्नि फंक्शन नॉर्मल है तो हम हेल्दी हैं, अगर अग्नि फंक्शन अबनॉर्मल है, कुछ इम्बैलेंस है, तो कोई वहां पर व्याधि है, और अगर अग्नि काम ही नहीं कर रहा, अग्नि शांत हो गया है, इट मींस द पर्सन इज नो मोर, और देर इज नथिंग लाइफ इन दैट बॉडी. तो बल, आरोग्य, आयु और प्राण, ये जो चार चीजें हैं जिससे हमारे हमारा शरीर, हमारा जीवन बना हुआ है, दीज फोर थिंग्स हाईली डिपेंड ऑन अग्नि फंक्शन. तो अगर हमारा बल हमें मेंटेन करना है, हेल्थ मतलब आरोग्य मेंटेन करना है, स्ट्रेंथ, हेल्थ, लॉन्जिटिविटी दैट इज योर लाइफ एंड योर ओवरऑल रेस्पिरेशन, योर ऑल बॉडी फंक्शंस दैट इज प्राण, it all depends on agni function. तो
अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म है, इसके लिए हमें नॉर्मल अग्नि क्यों चाहिए? नॉर्मल क्यों हमारा इतना अग्नि को हम इम्पोर्टेंस दे? सो दैट यू नो वी गेट नॉर्मल स्ट्रेंथ, नॉर्मल बॉडी कॉम्प्लेक्शन, हमारा जो कलर है स्किन का, स्किन टोन भी उसकी वजह से होता है, हमारे बॉडी में जो जिससे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, वी फील अलाइव एंड हेल्दी, दैट इज ओज. तो ओज मेंटेन करने के लिए भी हमें अग्नि की जरूरत है. सिमिलरली हमारा बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करना है, हमारी बॉडी जो बाकी के सारे एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स को अडेप्ट कर सके, उसी की वजह से दैट इज वाई वी नीड अग्नि एज वेल. सो दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच वी अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ अग्नि और ट्रीटिंग अग्नि एट द राइट टाइम एंड विद द राइट मेडिसिंस. तो अगर हम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और डेप्थ में देखेंगे कि why do we need to understand Agni on a clinical level? जब आपके पास patient आता है तो आप उसमें Agni assessment, मतलब आप क्या करते हैं? So अगर हम Agni के बारे में patient की जब हम detailed case history लेते हैं, तब हमें Agni को affect करने वाले बहुत सारे factors उसमें समझ आ जाते हैं. उसमें diet एक बहुत बहुत important factor है, lifestyle, जो आपका patient है वो क्या जॉब कर रहा है, क्या वो टाइम पे खाना खा रहा है या नहीं, वो खाना ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें आपको उसके दिनचर्या का जो आप रिकॉर्ड लेते हैं उसमें आप समझ सकते हैं. तो दिस इज वेयर यू कैन एनालाइज दैट हाउ द अग्नि इज फंक्शनिंग इन दैट पर्सन. तो अगर हम जाठर अग्नि के बारे में इधर डिस्कस करेंगे इन दैट क्लिनिकल एस्पेक्ट, तो अगर डाइजेशन ठीक नहीं है, अगर पेशेंट को बार बार ब्लोटिंग है या तो कॉन्स्टिपेशन है या ऐसे कुछ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप डेफिनेटली जाठर अग्नि की ट्रीटमेंट वहां पे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपको समझ आता है कि दिस इज क्लियरली जाठर अग्नि इशू, यू नीड टू रिमूव द आर्म विच हैज फॉर्म्ड देयर. सो आर्म पाचन वहां पे आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है, क्योंकि जाठर अग्नि डाइजेस्ट ऑल द फूड मटीरियल्स, और हमारा जो फूड मटेरियल्स है जिसमें ऑलरेडी हमारे पंच महाभूत हैं, तो उसके बाद जैसे डाइजेशन जब शुरू हो जाता है तो जाठर अग्नि और भूत अग्नि दोनों उस पर काम करते हैं. अगर आपका जाठर अग्नि वीक है तो डेफिनेटली भूत अग्नि आर नॉट गोइंग टू बी एडिक्वेट, और सिमिलरली आपका जो धातु बनने वाला है वो भी डेफिनेटली सही नहीं रहेगा. तो अगर हम इस इमेज में देखेंगे कि आहार और जाठर अग्नि, मतलब ये दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस आहार रस. ये जो आहार रस है इससे हमारा ओवरऑल बॉडी का पोषण होना चाहिए. तो भूत अग्नि वर्क्स ऑन पंचमहाभूत पोषण, दैट इज ऑल योर टिश्यू फॉर्मेशन, एंड सप्त धातु पोषण, इट्स ऑल अगेन माइक्रो चैनल्स, इट गोज थ्रू योर माइक्रो चैनल्स, इट गोज टू सेल्यूलर लेवल, एंड दैट इज वाई यू गेट एनर्जी इन योर लाइफ. You get energy to live your life normally. तो ये हमारे regular physiological functions के लिए important है. तो इनमें से आपको case history लेते time factors आपको समझ आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये आहार रस ही ठीक से नहीं बन रहा है उसके कारण भी आप ढूंढ सकते हैं. अगर सप्त धातु का पोषण ठीक नहीं हो रहा है तो उसके कारण भी आपको case history में definitely पता चल सकते हैं. तो ये जो भूताग्नि है, जब जाठर अग्नि का काम फिनिश हो जाता है डाइजेशन का, उसके बाद भूत अग्नि उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं. तो अगर आप मॉडर्न फिजियोलॉजी से इसको कंपेयर करेंगे तो जाठर अग्नि इज डाइजेशन, नॉर्मल डाइजेशन, और यू कैन से मैक्रो डाइजेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन योर स्टमक एंड ड्यूओडेनम. और उसके बाद जब वो फर्दर डाइजेस्ट हो जाता है फूड, व्हेन यू कैन से दैट कैन बी कंपेयर्ड टू भूत अग्नि फंक्शंस, जो कि लिवर एंजाइम्स जो आपके हैं, उसके बाद जो सारकिट विभाजन होके फूड आगे पुश हो रहा है इंटेस्टाइन्स थ्रू, सो मे बी यू कैन कंपेयर दैट विद भूताग्नि. बट एज फार एज आई फील, माय ओपिनियन इज कि हमें कुछ भी मॉडर्न से डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपने ही कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझने चाहिए. सो हमें पता ही है कि हम हमेशा कहते हैं कि मंद अग्नि या फिर विकृत अग्नि है जिसकी वजह से सारे
डिसीजेस, सारे डिसऑर्डर्स हमें दिखते हैं हमारी बॉडी में. तो व्हाई डू वी यूज दिस सेंटेंस, व्हाई वी से दैट डिस्टर्ब्ड अग्नि इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस. तो जो भी हम खाना खाते हैं, वट एवर वी ईट, ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द वर्ल्ड हैव पंच महाभूत, दैट इज फॉर श्योर. और हर एक की उस पर बायो एनर्जी, जैसे उसकी हर एक का रिस्पेक्टिव अग्नि से वो कोरिलेट किया जाता है. तो अगर हमारा जाठर अग्नि जो स्थूल पचन का काम पहले करता है, वो अगर तीक्ष्ण है, या तो वो हाइपर एक्टिव है, या तो वो बहुत मंद है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टर्ब्ड अग्नि हियर, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मंद अग्नि. तो अगर वो तीक्ष्ण है या तो वो मंद है, तो उसकी वजह से धातुअग्नि डायरेक्टली को उस कम या ज्यादा होंगे, मतलब डिस्टर्ब होंगे. तो अगर हमारा जाठर अग्नि वीक है तो बाकी के भी अग्नि वीक हैं. अगर हमारा जाठर अग्नि हाइपर एक्टिव है तो ये धातु अग्नि और बाकी भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. सो टू मच ऑफ एनीथिंग और टू लेस ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो नॉट गुड. सो ये जो डिस्टर्ब्ड एक्शंस हैं, इसकी वजह से व्याधि निर्माण होते हैं. ईच धातु अग्नि हैज गॉट अ स्पेशलिटी, हर एक धातु के साथ एक अग्नि एसोसिएटेड है. तो अगर हम रस धातु के बारे में बात करेंगे, तो उस अगर रस धातु का काम ठीक से नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, तो जो भी हमारे मेटाबॉलिक मैक्सिमम जो हम मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देखते हैं, वो सारे रस धातु का काम ना होने की वजह से होते हैं. एंड रस धातु का काम वीक है, इट मींस योर जाठर अग्नि इज वीक. डेफिनेटली इफ योर धातु अग्नि इज वीक, इट मींस योर जाठर अग्नि इज वीक. सो अल्टीमेटली इट कम्स टू द सेम थिंग, दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर जाठर अग्नि फर्स्ट. तो ये अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में इस टाइम कंसिडर करेंगे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट समवन हुज ओबीज, या तो कोई ऐसा है जो ओबीज है और उसने डिसाइड किया कि आई वांट टू डू डाइटिंग नाउ, मुझे अब खाना ही नहीं खाना है. तो बहुत जो फैट डाइट्स पे हम देखते हैं लोग जो जा रहे हैं आजकल की, यू नो समबडी इज डूइंग विदाउट एनी मेडिकल ओपिनियन, विदाउट एनी मेडिकल कंसल्टेशन, जो लोग खुद से डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी खा लेते हैं या तो खाना छोड़ देते हैं. तो ऐसे लोगों में क्या दिखता है, द फर्स्ट थिंग दैट एज एन आयुर्वेदिक फिजिशियन व्हाट वी शुड सी इज दैट देयर अग्नि हैज बिकम डिस्टर्ब्ड, और उसकी वजह से इनको या तो वो स्थूलता दिख रही है बॉडी में, या तो उसकी वजह से पाचन विकृति दिख रहे हैं. मोस्टली यू सी ओबीस पेशेंट्स हैव अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग रेगुलर बाउल मूवमेंट्स, तो वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन उसमें दिख जाता है. तो ये जो सारे पॉइंटर्स हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका पेशेंट के डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, अगर उसको एडिक्वेट आहार नहीं मिल रहा है, या तो उसको ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब संतर्पण और अपतर्पण यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं, तो उससे भी अग्नि की विकृति आपको उस टाइम ऑब्जर्व करके उस पर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए. सो इसी की वजह से यही जो सारी चीजें, अगर हम एक साथ इसको सी अ बिगर पिक्चर दैट वे, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि जाठर अग्नि फर्दर धातुअग्नि एंड भूताग्नि दे हेल्प फॉर ओवरऑल डाइजेशन अब्सॉर्प्शन असिमिलेशन ऑफ फूड. ये सारे डाइजेशन अब्सॉर्प्शन और असिमिलेशन, ये तीनों चीजें हैं कि हम बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, उसको हम बायोलॉजी को ही, बॉडी की बायोलॉजी को अगर हम इसमें कंसिडर करेंगे, आयुर्वेद के टर्म्स में कंसिडर करेंगे, तो ये सारे अग्नि मिलके यही काम करते हैं. तो दैट इज वाई आयुर्वेदा सेज दैट डिस्टर्ब्ड फंक्शन ऑफ अग्नि इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस. तो ये कौन से डिजीजेस हैं जो हमें डिस्टर्ब्ड अग्नि की वजह से दिखते हैं? मोस्टली अगर इस सब लिस्ट में से अगर आप देखेंगे, तो ऑलमोस्ट each and everything which is covered under diseases comes because of disturbed agni. Agar hum aam dosh aam dekhenge jo digestive disorders hai common, to wo hame definitely ajirna hai ya to grahani hai visuchika hai, ye sari cheeze hame disturbed agni ki wajah se definitely dikhte hain. Vata dosh jab bahut zyada badh jata hai to hame ruja ya fir shul, ye do cheeze definitely dikhai dete hain. वो विषम अग्नि के केस में भी आपको दिखाई देते हैं. सो पेन, पैरालिसिस,
उदरगत जो भी रोग हैं, ये सारे आपको डेफिनेटली विषमाग्नि या वात वृद्धि की वजह से भी दिखते हैं। तीक्ष्णाग्नि कब होता है? जब आपका पित्त दोष इम्बैलेंस्ड है, उसकी वजह से क्या होता है कि आप जो भी फूड इनटेक करते हैं वो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब वो जल्दी डाइजेस्ट होता है तो आपको और ज्यादा भूख लगती है। सो इवेंचुअली अगर हम भस्मक की पैथोलॉजी यहाँ पर सोचेंगे तो व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज यू कीप ऑन ईटिंग ईटिंग एंड इट गेट्स डाइजेस्टेड। तो वो या तो डाइजेस्ट होके उसका सार किट्ट विभाजन फास्ट हो जाता है और जो किट्ट भाग है जो निकल जाना चाहिए बॉडी में से वो भी जल्दी से एक्सक्रीट हो जाता है एंड देन द पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ हंग्री। तो ऐसे भूख जिसको लगती है तो वो हमेशा पौष्टिक या हेल्दी फूड खाए ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर आप अभी के भी लाइफस्टाइल से इसको भस्मक को कंसिडर करेंगे तो देर आर मेनी पीपल हु हैव दैट हैबिट ऑफ बिंज ईटिंग। इट इज नॉट एग्जैक्टली भस्मक बट देन इट इज सिमिलर टू भस्मक एंड दीज आर द साइंस विच यू कैन सी इन दैट पेशेंट। तो उसमें भी पेशेंट ऐसे ही दिखता है कि खाना खा लेते हैं बट आफ्टर अ वाइल दे वॉन्ट टू ईट समथिंग सॉल्टी और दे वॉन्ट टू ईट समथिंग स्वीट, तो वो डेजर्ट ऑर्डर करते हैं या तो चिप्स का पैकेट खा लेते हैं। 4-4:30 बजे का टाइम जो रहता है यूजली पीपल वॉन्ट टू हैव टी, सो विद टी दे एंड अप ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्राइड फूड। तो ऐसे चीजें खाने की वजह से भी अग्नि का फंक्शन ठीक से नहीं रहता है, क्योंकि इस केस में आप देखेंगे तो पहले का जो अन्न है वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है फिर भी हम उस पे नया कुछ खा रहे हैं। तो इफ द प्रीवियस फूड इज नॉट डाइजेस्टेड एंड देन वी कीप ऑन ईटिंग देन इट कॉजेज मंद अग्नि, बट इन तीक्ष्णाग्नि और इन भस्मक इट कीप्स ऑन गेटिंग डाइजेस्टेड। So you keep on eating a lot of things, but then your other agnis are not able to process that food very well. So agar, kyunki tikshna agni jathar agni ka type hai, aur jathar agni hi hamara vikrut hai, to baki ke agni to definitely vikrut hone wale hai. Right? So this is very, very commonly seen pathology. Mand agni aur visham agni, inki wajah se sharir mein aam bahut saturate ho jata hai. और आम बढ़ने की वजह से रस धातु की दुष्टि स्टार्ट हो जाती है। रस धातु की दुष्टि मतलब बाकी के धातु डेफिनेटली आर नॉट वर्किंग वेल, मतलब बाकी के धातुओं की दुष्टि भी आपको इसमें दिखाई देती है। और रस धातु की दुष्टि के जो कॉमन लक्षण है तो वो स्रोतस का अवरोध होना या तो आलस्य, गौरवता, शिथिलता, मलसंग, ये बहुत बहुत कॉमनली आपको सारी चीजें दिखाई देते हैं उस पेशेंट्स में। सो आपको मंदाग्नि विषमाग्नि डायग्नोस करने का सबसे इजी वे है टू अंडरस्टैंड एंड टॉक टू द पेशेंट एंड आस्क देम हाउ देयर लाइफस्टाइल इज। आर दे फीलिंग एनर्जेटिक व्हेन दे गेट अप इन द मॉर्निंग? उठते साथ उनका 1-2 घंटे में पेट साफ होता है या नहीं? पेट साफ होने के बाद उनको हेल्दी लगता है या नहीं? और दे फील लाइक गोइंग टू द वॉशरूम अगेन? तो ये सारी चीजें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ओवरऑल अग्नि का असेसमेंट कर सकते हैं। अगर अग्नि धातुवाग्नि ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको धातु में आम या स्रोतरोध दिख रहा है तो ये आपका अग्नि यहाँ पर मंद है। अगर आपका अग्नि बहुत ज्यादा काम कर रहा है और यू नो इट इज रिटन इन आवर संहितास कि अगर धातुवाग्नि बहुत तीक्ष्ण हो गया है तो वो इवेंचुअली धातु को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। धातु के जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने चाहिए तो वो भी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर धातु क्षय के लक्षण आपको दिखने लगते हैं। सो टू मच एंड टू लिटिल ऑफ एनीथिंग इज डेफिनेटली नॉट गुड। और कॉमनली अगर आप देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ जाता है तो डिजेनरेटिव जो इश्यूज होते हैं उसमें तो डेफिनेटली आपको अग्नि मंद ही दिखता है। तो जो आपके ओल्ड एज के जीरियाट्रिक जो भी आपके पेशेंट्स हैं उनमें आपको मंद अग्नि ही दिखेगा। आपको उसमें मंद अग्नि की वजह से और डिजनरेशन की वजह से धातु क्षय दिखता है। तो इसमें आपको दोनों चीजों की सेपरेटली चिकित्सा करनी पड़ती है। तो दीज आर द कॉमन डिजीजेस विच यू कैन सी ड्यू टू अ डिस्टर्ब्ड अग्नि। तो आप अग्नि की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? व्हाट इज द मेन थिंग विच यू कैन डू टू इम्प्रूव योर अग्नि फंक्शन, योर पेशेंट्स अग्नि फंक्शन? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर
जो भी हेतु दिख रहे हैं, हेतु विपरीत चिकित्सा तो हमें करनी ही है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपको आहार पे कंट्रोल रखना है पेशेंट के, जो भी फूड वो खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, अग्नि का बल देख के ही आपको उस हिसाब से डाइट प्लान करना चाहिए। सो उसके लिए आप क्या, अग्नि को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो शमन और शोधन चिकित्सा आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आई ऑलवेज इंसिस्ट इन ऑल द व्याधि के जो भी हमारे पीपी डिस्कशंस होते हैं अभी, उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि दीपन पाचन अनुलोमन इज मस्ट फॉर एनी डिजीज। तो दीपन पाचन सेपरेटली या तो साथ में, ये भी आप पेशेंट का अग्नि और बल, व्याधि बल, रुग्ण बल देख के आप शमन चिकित्सा में यूज कर सकते हैं। शोधन चिकित्सा ऑल्सो व्याधि बल, रुग्ण बल, अवस्था देख के आपको करनी चाहिए। आइडियली अनुलोमन चिकित्सा, और अनुलोमन और रेचन सेपरेट क्यों बताए गए हैं, क्योंकि अनुलोमन थोड़ा माइल्ड रूप में रहता है, रेचन आप प्रॉपर विरेचन, प्लांड विरेचन दे सकते हैं। रेचन वमन और बस्ती आपको पेशेंट के साथ प्लान करके, पेशेंट को एक्सप्लेन करके ही करना चाहिए, सो दैट इससे अच्छा शोधन हो सकता है। जाठर अग्नि विकृति जब आपको समझ आती है, उसी वक्त आप आम पाचक योग स्टार्ट कर सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण स्टार्ट कर सकते हैं, उसका स्टार्ट कर सकते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण भी दे सकते हैं। सो दीज आर वेरी कॉमन योग, आप इसमें यूज कर सकते हैं जाठर अग्नि विकृति के लिए। इवन लवण भास्कर इज वेरी वेरी यूजफुल। सो दीज आर कॉमन मेडिसिन विच यू कैन यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर जाठर अग्नि और फॉर इम्प्रूविंग द डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, पाचन, तो उसके लिए आप असवारिष्ट का भी डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। हियर मैंने स्पेसिफिकली हमारे जो ज्वर अध्याय में बताए गए हैं धात्वाग्नि और भूताग्नि का काम इम्प्रूव करने के लिए, ये सारे योग हमें बताए गए हैं, रस रक्त मांस पाचक योग जो है, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, ये जो योग हैं ये सिर्फ ज्वर के लिए यूजफुल ऐसा नहीं है, ये आपको डायरेक्टली धातु पे आपके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब इवन रसपाचक योग, अगर आप सिर्फ रसपाचक को कंसिडर करेंगे, तो हमारे जो भी पीसीओडी रिलेटेड भी विकार हैं, ओबेसिटी है, इवन इनफर्टिलिटी ड्यू टू ओबेसिटी है और पीसीओडी है, तो ऐसे जो भी आपको जहां पर ये दुष्टि दिखती है, वहां पे आप रसपाचक, मेदोपाचक साथ में भी यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर अदर मेडिसिन एज वेल, बट इवन दीज डेफिनेटली हेल्प यू। तो रसपाचक अग्नि इम्प्रूव करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर अग्नि इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, तो दिस इम्प्रूव द धात्वाग्नि। जाठर अग्नि तो डेफिनेटली इम्प्रूव हो ही रहा है, बट हम धात्वाग्नि पर डायरेक्टली काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टेकिंग दीज मेडिसिन, दीज प्रिपरेशन। तो ये मैंने जो भी हमारे पाचक योग हैं, ये कौन से हैं, मैंने उसमें उसके द्रव्य यहाँ पे मेंशन किए हैं। दीज आर रियली यूजफुल टू यूज हमारे प्रैक्टिस में, एज आप मेडिसिन इसका चूर्ण भी यूज करके दे सकते हैं, आप इसका क्वाथ भी दे सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स इन वट एवर फॉर्मेट यू गिव, बट दीज डेफिनेटली हेल्प टू इम्प्रूव द धात्वाग्नि। सेम लास्ट इज अनुलोमन। अनुलोमन के लिए ये, दीज आर माई पर्सनल फेवरेट मेडिसिन विच आई ऑलवेज यूज, और अगर हमें कोई मेडिसिन नहीं देना है तो हम किसी पेशेंट को नित्य अनुलोमन, नित्य पेट साफ होने के लिए रात को आधा कप गरम दूध और उसमें हाफ टी स्पून ऑफ देसी गाय का घी, ये बता सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वेमेन ऑल्सो, तो इससे उनका पेट अच्छे से साफ होता है और घी की वजह से ओजवर्धन भी होता है। सो दीज आर द बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विच यू कैन डू फॉर अंडरस्टैंडिंग अग्नि। आई हैव नॉट मेंशनड अ लॉट ऑफ योग हियर बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट हियर। होप द कंसेप्ट इज स्लाइटली क्लियर टू यू एंड द होल प्रेजेंटेशन वॉज यूजफुल। विद दिस आई थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। I'll hand over